और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा के खेल और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सौगातों भरा रहा, जब श्रीनाथपुरम स्टेडियम में खेलो इंडिया योजना के तहत 400 मीटर के ट्रैक को सिंथेटिक ट्रैक में तब्दील करने के प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। शिलान्यास समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कई बड़े ऐलान किए। वहीं कोटा में बड़े निवेश की उम्मीदें जगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया कि आने वाले समय में कोटा शिक्षा उद्योग सर्विस सेक्टर के अव्वल शहरों में होगा। देखिए कोटा की तरक्की की नई तस्वीर और सुनहरे सपने दिखाती ये स्पेशल रिपोर्ट। बरसात में 4 महीने खिलाड़ियों के लिए बहुत खराब बीतते थे, उसमें खिलाड़ी सही से तैयारी नहीं कर पाता था, मिट्टी का ग्राउंड, खड्डे वगैरह वगैरह। आज खिलाड़ी अच्छे लेवल पर तैयारी कर सकता है। खुशी और उत्साह है कोटा के खेल और खिलाड़ियों का, जिन्हें अब श्रीनाथपुरम स्टेडियम के धूल मिट्टी खड्डों से भरे और खासकर बरसाती दिनों में कीचड़ से अटे कच्चे ट्रैक से मुक्ति मिलने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्थानीय विधायकों संदीप शर्मा और कल्पना देवी के साथ स्टेडियम के लिए सिंथेटिक ट्रैक की नींव रखी। 2023 तक तैयार होने जा रहे 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण पर खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। बहुत कुछ अंतर आएगा उसमें, मतलब वो रनिंग में बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और बहुत अच्छा है ट्रैक, और उसमें पहले तो बहुत खड्डे थे, अब ना कीचड़ वीचड़ कुछ नहीं रहेगा, मतलब आराम से बढ़िया हो जाएगा। कितनी रनिंग करते हो? बहुत। कितनी करते हो? कितने राउंड लगा दो स्टेडियम कितने? 5-6-7 ऐसे राउंड लगा देते हो। कौन सा इसे आपको पसंदीदा स्पोर्ट्स कौन सा है? रनिंग और क्रिकेट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की हर पंचायत में स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया, तो वहीं संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी में 20 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम और एथलेटिक्स ट्रैक का भी जिक्र किया। राजस्थान में पूरे देश के अंदर एक शहर है जहाँ 12 महीने चंबल नदी बहती है और गहरा पानी है, इसके अलावा कोई शहर नहीं। और मेरा आज विश्वास है, मैं कह सकता हूं आज नहीं कल इस देश का इंडस्ट्री सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का सबसे अग्रिम देश के अंदर अगर कोई शहर होगा तो कोटा शहर होगा, और इसकी बदौलत ये चंबल की मां है। समारोह के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की घोषणाएं चर्चा में रही। यूडीएच मंत्री ने कहा कि नगर निगम और यूआईटी खेल विकास के कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने जा रहा है। धारीवाल ने बिरला के सुझाव पर कोटा में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए विजय वीर क्लब स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड बनाने की बात कही। साथ ही एक और बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगले एक साल में कोटा की हर गली में चंबल के शुद्ध पानी की सप्लाई होगी। मैंने वहाँ पर कोटा में राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा जो है 350 करोड़ रुपया कोटा के लिए रखा है। मैंने बिरला साहब को आश्वस्त किया है कि कोटा का कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं छूटेगा जहाँ पर कि पानी 24 घंटे न पहुँचे, उसका प्लान बनाया जा चुका है, अभी तो उसकी DPR बनेगी। खेलों के आधारभूत ढांचे के अभाव के ही कारण ओलंपिक जैसे दुनिया की बड़ी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारत का पदक तालिका में स्थान छोटे छोटे देशों से भी नीचे होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी के सरकारी प्रयास खेल प्रतिभाओं की भरमार वाले भारत में खेल विकास का एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाएंगे। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।